नमस्ते बच्चों, नवामकु डिजी लेसन में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 4 पर्यावरण विषय का अगला पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है बसवा का खेत। यहाँ बसवा नाम का एक छोटा सा बच्चा है जो अपने पिता की खेती करने के तरीकों के बारे में हमें बता रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ बसवा। मैं कर्नाटक के बेलबनिका गांव में रहता हूँ। वह कहाँ रहता है? कर्नाटक के बेलबनिका गांव में रहता है। मेरे अप्पा किसान हैं। उसके जो अप्पा मतलब पिताजी हैं वो कौन है? किसान हैं। जुलाई का महीना है। हर बार की तरह इस बार भी अप्पा प्याज की फसल उगाने की तैयारी में हैं। इस समय जुलाई का महीना चल रहा है और उसके अप्पा मतलब पिताजी कौन सी फसल उगाएंगे? प्याज की फसल। खेती करने के लिए अप्पा को कितने सारे काम करने पड़ते हैं? जो खेती करते हैं किसान लोगों को कई सारे काम करने पड़ते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तो अप्पा मुझे अपने साथ खेत में ले जाते हैं। जब उसके पिताजी को उसकी ज़रूरत पड़ती है तो उसे भी वो साथ में खेत में ले जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में अप्पा ने खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया है। कुछ दिनों से अप्पा उसके खेत की मिट्टी को नरम करने में लगे हुए थे और खेत की मिट्टी को नरम उन्होंने कैसे किया है? खूंटी मतलब खूंटी एक प्रकार का यंत्र होता है जिसकी मदद से मिट्टी को नरम किया जाता है। अपने इधर उसको छोटी सी गैंती भी बोल सकते हैं या खुरपी बोल सकते हैं। पता करो बसवा के इलाके में खूंटी से खेत की मिट्टी को नरम करते हैं, तुम्हारे इलाके में इसे क्या कहते हैं? इसका चित्र बनाओ और चर्चा करो। इसको अपन या तो गैंती बोलेंगे छोटी या खुरपी बोलेंगे जिसकी मदद से अपन भी मिट्टी को खोदते हैं। आगे चलते हैं। किसी किसान या अपने बड़ों से पूछो कि उनके इलाके में खेतों में क्या क्या काम क्या क्या उगाया जाता है। तो अपने हमारे तरफ खेतों में गेहूँ, चना, सोयाबीन, उड़द, सब्जियाँ, फूल, ये चीज़ें लगाई जाती हैं, खेतों में उगाई जाती हैं। खेती का हुनर। अप्पा इस बार भी खेत में प्याज के लिए बीज बोएंगे। जब हमें कोई फसल उगानी होती है तो उसके लिए हम खेतों में बीज बोते हैं। बैल कुरीगरी को खींचते जाएंगे और अप्पा पीछे पीछे बीज डालते जाएंगे। बैल कुरीगे मतलब एक कृषि यंत्र है जिसकी मदद से खेतों में बीज बोया जाता है। अप्पा को इस तरह कुरीगे में बीज डालते देख मेरा भी ऐसा करने को मन करता है। वह सोचता है कि अप्पा यह काम करती हैं तो मैं भी ये काम करूं। पर शायद मैं इसके लिए अभी छोटा हूं। पर उसे ये लगता है कि वह अभी छोटा है। अप्पा मुझे बीज नहीं डालने देते, कहीं मेरे हाथों से ज़्यादा बीज ना गिर जाएं। कुरीगे में बीज डालने का भी एक तरीका होता है। उसमें बीज डालते समय ध्यान रखा जाता है कि बीज कहीं ज़्यादा ना जाए, एक बराबर मात्रा में ही बीज बोया जाता है। तो इसलिए उसके अप्पा उसे बीज नहीं डालने देते, कहीं वह बीज ज़्यादा ना डाल दे। थोड़े थोड़े बीज गिराना बहुत मुश्किल है, पता नहीं मैं कब कर पाऊँगा। वह सोचता है कि ये काम मैं कब कर पाऊँगा। जानवर के अलावा और किसी तरीके से खेत को जोता जा सकता है? तो हाँ, अब तो ट्रैक्टर की मदद से भी खेत को जोतते हैं। अधिकांश ट्रैक्टर की मदद से ही जोतते हैं खेत। पहले बैलों की सहायता से हल से खेती होती थी, लेकिन अब ट्रैक्टर की सहायता से खेती की जाती है। प्याज की फसल। बीज बोए लगभग 20 दिन हो गए थे। कितने दिन हो गए थे? 20 दिन। प्याज के छोटे छोटे पौधे निकल आए थे। जो प्याज के पौधे बोए गए थे वो छोटे छोटे अब उग आए थे। साथ ही निकल आई थी खरपतवार और साथ में अन्य पौधे भी उग आए थे जिन्हें खरपतवार बोलते हैं। तुमने किसी खेत या बगीचे में देखा ही होगा कि कुछ पौधे बिना बोए अपने आप ही उग आते हैं। यह ही होती है खरपतवार। जो पौधे बिना बोए अपने आप को उग आते हैं उनको ही खरपतवार बोलते हैं। खरपतवार अप्पा कहते हैं कि इसे निकालना बहुत ज़रूरी है। उसके पिताजी बोलते हैं कि इसको निकालना खेत से बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेगी और प्याज की फसल कम हो जाएगी। यदि इनको नहीं निकालेंगे तो जो खाद पानी देते हैं वो खरपतवार स्वयं ले लेती है और फसल कम हो जाती है। मैं भी खरपतवार निकालने में अप्पा अम्मा और काका की मदद करूँगा। वह कहता है कि मैं भी अपने पिताजी माँ और चाचा की सहायता करूँगा इस काम में। प्याज के खेत में हर रोज़ पौधों को बढ़ता देख मुझे बहुत खुशी होती है। अब तो ये पौधे खूब बड़े हो गए हैं, मेरे घुटनों तक ऊँचे ऊँचे।
पत्ते भी पीले होकर सूख गए हैं। अब प्याज निकालने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब उसकी जो फसल प्याज की बोई थी वो निकालने के लिए तैयार हो चुकी थी। जिस फसल को आपने खेत में लगे देखा है उसका चित्र बनाओ। यदि आपने किसी फसल को खेत में लगे देखा है तो आप घर पर उसकी ड्राइंग कर सकते हैं। जानते हो क्यों? अब प्याज के तैयार पौधों को निकालना है। प्याज की फसल में यह काम सबसे अधिक ज़रूरी है। क्यों है? आगे देखते हैं। अम्मा, अप्पा, काका, छोटी माँ और मैं सभी जुटकर यह काम करेंगे। समय से प्याज नहीं निकालें तो सारे प्याज ज़मीन के नीचे ही सड़ जाएंगे। यदि इस प्याज को टाइम पर ज़मीन से ना निकाला जाए तो वह सब ज़मीन के नीचे ही सड़ जाएंगे। फिर तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और किसान की सारी मेहनत बेकार हो जाती है। क्या तुम भी बसवा की तरह किसी काम में अपने घर के बड़ों की मदद करते हो? किस काम में करते हो? तो हाँ, हम भी घर के छोटे छोटे कामों में घर के बड़ों की मदद करते हैं। वह काम करना तुम्हें कैसा लगता है? हमें घर का काम करना अच्छा लगता है। सबको अपने घर में छोटे छोटे कामों को करना चाहिए, अपने बड़ों की मदद करना चाहिए। प्याज की फसल, अब फसल निकल चुकी है खेत से। आगे देखते हैं। अरे वाह, इस बार तो बहुत मोटे मोटे प्याज निकले हैं। घर में सभी बहुत खुश हैं। अम्मा और छोटी माँ ने इलीगे की मदद से प्याज को पौधों से अलग कर दिया। इलीगे मतलब यहाँ पे हसिया है, अपन इसको हसिया बोलते हैं, वो लोग उसको इलीगे बोलते हैं। हाथों को इलीगे पर ध्यान से चलाना होता है। जब इलीगे से काम हसिये से अपन काम करते हैं तो हाथों को ध्यान से चलाना पड़ता है, नहीं तो हाथ कटने का डर रहता है। अप्पा और काका ने मिलकर प्याज को बड़ी बड़ी बोरियों में भर कर बांध दिया है। अप्पा और उसके चाचा ने प्याज को बड़ी बड़ी बोरियों में भर दिया है और बोरियों को बांध दिया है। अब अप्पा इन्हें मंडी में बेचने के लिए ट्रक में लेकर जाएंगे। अब इनके प्रश्नों के हमें उत्तर लिखना है। प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखो। तो छोटे छोटे प्रश्न हैं, आप स्वयं भी लिख सकते हैं, मैं उनके उत्तर बता देता हूँ। बसवा कुछ दिन तक स्कूल क्यों नहीं गया? क्योंकि बसवा को अपने पिता के काम में उनकी मदद करनी थी, इसलिए वह स्कूल नहीं गया। क्या तुम्हारी घर के आसपास कोई खेत है? वहाँ क्या उगाया जाता है? तो यदि आसपास कोई खेत है तो हमारे आसपास जो खेत हैं उनमें तो अधिकांशतः सब्जी उगाई जाती है या फूलों की खेती भी की जाती है। बसवा के अप्पा मंडी में प्याज बेचने के लिए ट्रक में जाते हैं। सोचो, जिन जगहों पर पक्की सड़क नहीं होती वहाँ फल सब्जियों को कैसे ले जाया जाता है? तो वहाँ की फल सब्जियों को बैलगाड़ी से लेकर किसान मंडी तक आते हैं। कौन कौन सी गाड़ियों में फल और सब्जियाँ ले जाई जाती हैं? किसी एक गाड़ी का चित्र बनाओ। तो ट्रक में, ऑटो में, ठेले पर, रिक्शे में, ये सारी वाहनों में सब फल सब्जियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले लाई जा सकती हैं। पता करो और लिखो। यहाँ कुछ ऐसे औजारों के चित्र बने हैं जिनके नाम इस पाठ में आए हैं। इनके नाम लिखो। यह भी लिखो कि तुम्हारे इलाके में इन्हें क्या कहते हैं, ये औजार किस काम में आते हैं। तो सबसे पहले चित्र है कुरीगे का, नाम है इसका कुरीगे। तुम्हारे इलाके में बीज बोने का यंत्र, हम इसे बोलते हैं बीज बोने का यंत्र। काम बीज बोना, इससे क्या होता है, बीज बोया जाता है। अगला चित्र है खूंटी का। तुम्हारे इलाके में कुदाल, गैंती या खुरपी भी इसको बोलते हैं। काम है मिट्टी को नरम करना। अगला चित्र है इलीगे का, इसको अपन हसिया बोलते हैं। काम सब्जी आदि को काटना या फसल को काटने का काम भी इससे किया जाता है, हसिये से। तो ये हसिया है। फसल उगाने के लिए कई तरह के काम करने होते हैं। इन चित्रों को देखो और उन पर सही क्रम में लिखो। आप अपनी बुक में लिखेंगे किस चित्र में क्या काम हो रहा है। अपने इलाके में उगाई जाने वाली किसी फसल के बारे में पता करो, वह कैसे उगाई जाती है। क्रम से कॉपी में चित्र बनाओ। आप ये भी स्वयं अपने घर पर कर सकते हैं कि यदि आपके पिताजी या आसपास कोई खेत है तो वहाँ पूछ सकते हैं। आपके पिताजी तो खेती अधिकांश करते ही हैं, तो उनसे आप जानकारी लेकर इसमें अपने चित्र बना सकते हैं। तो इसी के साथ बसवा का खेत अध्याय समाप्त होता है। बच्चों, धन्यवाद।